कौमी असेंबली का हल्का NA 120 लाहौर तीन वजूहात की वजह से अहमियत का हामिल है कि ये साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इंतखाबी हल्का है। नवाज शरीफ 1985, 1988, 1990, 1993 और 1997 में यहाँ से लड़े गए तमाम इलेक्शंस जीते हैं, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि अपने हरीफों को बुरी तरह हरा कर जीते हैं। इलेक्शन 2002 में भी उन्होंने यहाँ से कागजात नामजदगी दाखिल करवाए थे जो मुस्तरद कर दिए गए थे, जबकि 2008 के इलेक्शन में नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दिया था। बाद हजा मुस्लिम लीग नून के बिलाल यासीन इस निशस्त से कामयाब हुए थे। पिछली दफा इलेक्शन लड़ने आई थी तो मैंने इस हल्के में 23 दिन पहले आई थी, तो जब इंसान 23 दिन पहले आता है तो आपकी उस तरह की ना वाकफियत होती है और ना उस तरह की सपोर्ट होती है। उसके बावजूद हल्के के लोगों ने बड़ी मेहरबानी की, बड़ी इज़्ज़त की मेरी, और उन्होंने इमरान खान के मैसेज की बड़ी इज़्ज़त की कि मेरे तकरीबन 52,000 प्लस वोट निकले। और नवाज शरीफ साहब के लाहौर में 9वें नंबर पे वोट थे, उनके थे 51,000 कुछ वोट थे, ठीक है जी। अब 3 साल 4 साल हो गए मुझे, मेरी कॉन्स्टेंटली रابطہ है अपने हलके के अंदर। सबसे बड़ी ये बात है, हमारी तंजीम बन गई है हलके के अंदर, जो बहुत माशाल्लाह मुतहरिक है। और फिर कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, नवाज शरीफ साहब डिसक्वालीफाई हुए। इससे बड़ी मेरा ख़्याल है किसी प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती नहीं हो सकती, फॉर अ सिंपल रीज़न कि आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी हो और आपने बजाय उस इज्जत के कमाने के लिए लोगों के लिए काम करते, आपने अपने घर की तिजोरियाँ भरी, अपने घर के हालात बेहतर किए, अपने बच्चों के हालात बेहतर किए। इस लोगों को समझ आ गई है, तो हमें इस चीज़ के लिए मीडिया का शुक्र अदा करना चाहिए। मीडिया ने अगर पनामा लीक्स ना एक्सपोज करते हमें ये मौका नहीं मिलना था। फिर माशाल्लाह जिस तरह मीडिया ने हर चीज़ को फॉलो अप किया, अगर फॉलो अप ना करता तो शायद आज वो दिन पाकिस्तान में न आता जिसके लिए हम बहुत अच्छे से दुआ कर रहे थे कि कोई ऐसा वक्त आए कि अदलिया अपने आप को मजबूत तरीन पिलर समझे पाकिस्तान का, अदलिया खड़ी हो जाए और गरीब और अमीर को बराबर का इंसाफ दे दे। इस वक्त अगर हुक्मरान वक्त कटहरे में खड़ा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज अदल और इंसाफ आ गया। फैसल मीर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नामज़द किया है NA 120 का, जो बाय इलेक्शन 17 सितंबर को मुनक़द होगा, उसमें पार्टी ने ये बड़ा सोच समझ कर फ़ैसला किया, क्योंकि फैसल मीर एक बड़े मुतहर्रिक कारकुन हैं, हर लाहौर में उनका काफ़ी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहते हैं, और स्टूडेंट के ज़माने से PSF में भी, PSF की तंजीम के साथ भी इन्वॉल्व रहे हैं, और आजकल भी उनकी काफ़ी एक्टिविटीज़ पार्टी के हवाले से और बड़े एक्टिविटीज़ रही हैं। और उनके वो वारिस मीर साहब, प्रोफेसर वारिस मीर साहब के साहिबजादे हैं, उनके नाम पे आपने देखा कि कनाल रोड पर एक अंडरपास भी बना हुआ है, और नामी उनका काफ़ी शोहरत है लाहौर के अंदर, अच्छी शोहरत रखते हैं। तो हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह अगर NA 120 के आवाम उनको देखेंगे, उनको परखेंगे, तो जो कैंडिडेट्स सामने फ़िलहाल जो आ रहे हैं उनमें उनको वो अपनी वो फौकियत देंगे। आम इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने धांधली का वावेला मचाना शुरू किया। उन्होंने 4 हलकों को खोलने की बात की, गोया ऐसा मालूम होता था कि नई नवेली हुकूमत के सर मुंडवाते ही ओले पड़ना शुरू हो गए हों। इमरान खान ने न आओ देखा न ताओ और लाहौर ता इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगने पर डट गए। उनको इसमें कामयाबी न मिली। 2 साल कबल होने वाले पनामा पेपर्स के इंकशाफात की वजह से उस वक्त के वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और उनकी नाअहली से NA 120 में जिमनी इलेक्शन की जरूरत आन पहुंची। बच्चों की तरह रो रहे हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। भैया आप कोई काके हैं, आपको नहीं पता आप क्यों निकाले गए? आप कहते हैं जी मेरे पे क्या इल्ज़ाम है। नंबर वन, आप पे पनामा लीक का जब इल्ज़ाम लगा आपने कहा मैं पार्लियामेंट में आऊँगा, हमने आपको कहा आप पार्लियामेंट में आए। आप पार्लियामेंट में आए, आपने आके पार्लियामेंट के अंदर रामलीला की कहानी सुनाई,
अपना लुटना सुनाया, आपने बताया कितनी दफ़ा हम लुटे गए, ये हुआ फलां हुआ ढिमकान हुआ, एंड ऑफ द डे आपने मनी ट्रेल नहीं बताई कि आपके बच्चों ने महंगे तरीन इलाके में किस तरह फ्लैट बनाए और किस तरह फ्लैट खरीदे। आपने ये नहीं बताया कि आप खरबोपति कैसे बन गए। आपने ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि ये जो पैसों की ट्रांजैक्शन होती रही है ये कैसे हुई। हालांकि इसके बारे में नैब के अंदर एक केस है जिसका साइन किया हुआ है इसहाक डार का। इसहाक डार मुंशी साहब ने एक बाकायदा एफिडेविट साइन किया हुआ है जिसमें उन्होंने हर चीज़ एक्नॉलेज की हुई है, उन्होंने सारी मनी ट्रेल शो की हुई है, उन्होंने बताया हुआ है ये चेक इधर गया, फलां बंदे के अकाउंट खोले, ये अकाउंट्स खोले, ये ऑफशोर कंपनीज बनी, वो बिल्कुल सही मनी ट्रेल है। वो कहें कि जी मेरे सर को बंदूक रखी गई, मेरे सर पे तोप रखी गई, तो मैंने वो लिखा मिसाइल रखा गया, जो भी कहा, एंड ऑफ द डे फैक्ट्स तो आपने सही दिए, चाहे आपने स्ट्रेस में दिए या जिस तरह भी दिए। खुद आप अपने से किस तरह इस तरह के फैक्ट्स बना सकते थे कि आपके पास अकाउंट नंबर भी हो, और आप क्योंकि आप ये सारा करते थे, यानी शर्म की बात है इस वक्त अपने आप को वो फाइनेंस मिनिस्टर बना के और आपके सामने उन्होंने ये सारा काम किया। लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे, इससे पहले भी हमेशा इन्होंने कौम से झूठ बोला। अगर झूठ ना बोलते तो शायद ये दिन हमें आज देखना ना पड़ता। इन्होंने पहले दिन से आके झूठ बोला, फिर अब रोना रो रहे हैं मेरे पास इकामे पे मुझे निकाल दिए। भाई नंबर वन, मैं नवाज शरीफ से पूछना चाहती हूँ, आपको इकामे की क्या ज़रूरत पड़ गई? खैरियत थी, नौकरी चाहिए थी दुबई में या अबू धाबी में, क्यों? आपको प्राइम मिनिस्टर की नौकरी नहीं पसंद? आपको पाकिस्तान के लोगों ने इतनी इज्जत दी, आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया, इससे बड़ी और आपको कौम क्या इज्जत दे सकती थी? आपको वो इज़्ज़त तो रास ना आई, आपने कहा जी मैं इकामा लेना है, मैं एक नौकरी उतरे भी करनी है। आपको मैं बताऊं क्या वजह है, बहुत सारे लोगों को इस बात की समझ नहीं है। इकामा आपको तब मिलेगा जब आपका वहाँ अकाउंट हो, बैंक अकाउंट। यू कैन ओनली हैव एन इकामा अगर आपका बैंक अकाउंट हो। इनका वहाँ बैंक अकाउंट्स हैं, उन बैंक अकाउंट्स में इन्होंने पैसे डाले हुए हैं और उन बैंक अकाउंट्स की कोई तलाशी नहीं ले सकता क्योंकि वो टैक्स फ्री हेवन है, उसलिए वहाँ लोग तलाशी नहीं ले सकते। इन्होंने अपने पैसों को वहाँ छुपाया, वहाँ से आगे पैसे इन्होंने ट्रांसफ़र किए। तो इसलिए अगर लोगों को ये बेवकूफ़ बताते हैं कि मैं जी इकामा पे निकाला, तो मैं तो ये सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, भैया आपको इकामे की क्या ज़रूरत पड़ी थी? जी मुझे वीज़ा चाहिए था। आप प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, आपको वीज़े का प्रॉब्लम होगा? मैं एक आम आदमी शहरी हूँ, मुझे 48 घंटे में वीज़ा मिल जाता है, मुझे 24 घंटे में वीज़ा मिलता है जब मुझे ज़रूरत होती है। तो आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कोई ज़रूरत है वीज़े की कि आप वीज़े की खातिर इकामा लिया हुआ आपने? इसलिए लोग कौम को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं। और 10,000 की नौकरी की आपको क्या ज़रूरत थी? तनख्वाह नहीं दे रही आपको? आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर को मेंटेन करने के लिए टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए इस्तेमाल होते हैं। हर रोज़ 1 करोड़ रुपया खर्चा प्राइम मिनिस्टर हाउस का है। हम लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं टैक्स पेयर के पैसे पे प्राइम मिनिस्टर को मेंटेन करने के। 75 करोड़ की तो इन्होंने दीवार खड़ी कर दी जाटी उमरा की, जिसका हम अभी हिसाब लेंगे इनसे, क्योंकि उसको कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया। इसलिए इस तरह की बातें खुदारा बस करिए, इसको हमको बेवकूफ़ का बनाना बंद कर दें। यह आपका हल्का है, 30 साल से 33 साल से इन लोगों ने आपको इज्जत दी, आपने कभी इस हलके की तरफ रुख किया? कभी तशरीफ़ लाए? कभी यहाँ चक्कर मारा? पैदल चल के तो देखिए, देखें कितने गटर खोले हुए, देखें यहाँ पीने का पानी नसीब नहीं है लोगों को, गटर के पानी के साथ पीने का पानी मिल रहा है। यहाँ कोई स्कूल बच्चों की सहूलत के लिए नहीं है, छोटी छोटी कटरियाँ जहाँ 300-300 खानदान रहते हैं, छोटी छोटी कटरियाँ आपको हम दिखाएँगे, अभी ले कर मैं जाऊँगी, जहाँ वो कटरियाँ देखें तो आपको एहसास होगा कि यहाँ भी इंसान बसते, यहाँ भी इंसान बसते। इसलिए ये वो लाहौर का दिल है, ये पुराना शहर है, इस पर आप पैसे इन्वेस्ट करते तो ये एक खूबसूरत जगह बन सकती थी, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती थी, ये टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल हो सकता था। पर आपका ध्यान क्यों जाता है यहाँ? आपने ऊपर से मेट्रो बनाई क्योंकि मेट्रो का किकबैक बहुत अच्छा था,
आपने मोटरवे बनाई, मोटरवे का किकबैक बहुत अच्छा था, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, उन ठेकों में पैसे बड़े आते, आपने तो कभी ये सोचा ही नहीं कौम के बारे में। चौधरी एतज़ाज़ हसन की तकरीर आपको शायद गालबन याद होगी जो उन्होंने कौमी असम्बली में की थी, ये जब 2014 में धरना जॉइंट सेशन में, तो वो उन्होंने वो जो एक वो बताया था, वो जो सदके उठाने द्वारा इन्होंने माँ याद दिवा दी थी। इनको जब भी मुश्किल दरपेश होती है, ये उस वक्त इनको वो चीज़ें जिन पे हमेशा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक उसकी बुनियाद एक डेमोक्रेटिक सिलसिला से हुई, एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है, और वो बड़ी क्लैरिटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के जो हमारे फाउंडिंग चेयरमैन थे उनके जेन में कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, और वो इन लाइन विद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो विज़न था उसको रखते हुए कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई चीज़ों में बड़ी क्लियर है, उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विज़न टेररिज्म के हवाला से बहुत क्लैरिटी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक व्यू जो दिया बड़ा क्लियर था। मैं 18 अक्टूबर 2007 को कराची में था, उससे ज़्यादा वो भी एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट था टेररिज्म का, लेकिन हमारी कौम में वो क्योंकि ऐसी फोर्सेस थी उस वक्त जो कि वो नहीं समझती थी कि ये टेररिज्म है, उसमें अगर पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुआ, अगर ये लोग समझते तो ये जो आज नेशनल एक्शन प्लान की बातें हो रही हैं जिस पर भी अभी भी आज भी अमल नहीं हो रहा पूरी तरह, ये उस वक्त शुरू हो जाता। उस वक्त सारी जमातें कहती कि मुल्क दहशतगर्दी बड़ा मसला है। इसी तरह ये जो आइन के बारे में पीपल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा एक वाज़ मौक़िफ़ रखा, 58(2) भी एक ऐसा आर्टिकल इंट्रोड्यूस कराया गया था एक डिक्टेटर ने, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का जो जो बुनियादी चीज़ है वो ही बदल गई। अब उसको इन्हें ख़त्म कराया, अब इनको वो चीज़ें अब याद आ रही हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को बदनाम किया गया जो हमारे, और उसमें इनकी मौजूदा जो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत का काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ ब्लेम जाता है, क्योंकि अगर ये उस पर सही तरीके से अमल दरामद करते, उस पर सही तरीके से काम करते, ये अप्रैल 2008 की आप तकरीर देखें, उस वक्त के फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार की, वो कहते थे कि पाकिस्तान का ख़जाना खाली हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, और इन्होंने मई 2008 में इस्तीफ़े दे दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनहा वो एक सिस्टम को चलाने पे की जिम्मेदारी उस पर आयद हुई। फिर आपने देखा किस तरीक़े से लेग पुलिंग की पार्टी की, हमारे हुकूमत की, हमारे वज़ीरे आज़म को किस तरीके से इन्होंने अदालतों में जाकर बदनाम करने की कोशिश की। उसका फ़ायदा तो फिर वो नॉन डेमोक्रेटिक या जो दूसरी फोर्सेस हैं वही उठाती हैं कि सपोर्ट बैन के चले गए थे। जी हाँ, तो उसका फिर मिसाल देते हैं भी वो लोग कहते हैं कि यार ये तो इस तरह के लोग हैं। अब हमें इन पर लाजम था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट में अपना किरदार अदा करते। उसमें जिस तरीके से हम पंजाब में उस वक्त हम लोग एक इनके साथ कोलेशन गवर्नमेंट में थे, मखलूत हुकूमत थी हमारी इनके साथ, लेकिन जिस तरीके से हमारी जमात के साथ, हमारे जमात के मेंबरों के साथ पंजाब असेंबली के साथ सलूक होता था वो तो अंदाज़ा नहीं। वो आप सिर्फ वो हमारी पार्टी क़्यादत जानती है, और उनकी हमेशा कोशिश थी कि ये नादान है जरदारी साहब। आज वो यकीनन आपने सुना है कि ये अब ये कहते हैं कि जरदारी साहब एक जीरक सियासतदान हैं, अब इनको उनके ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे हैं, तो ये यकीनन उनको अब ये भी नज़र आने लगा है जो इनको नज़र आता था जब बीबी के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर रहे थे। इनको नज़र आ रहा था कि यही हमारा रास्ता है एक वापस पाकिस्तान जाने का। फिर जब ये पाकिस्तान आ गए, 18वीं तरमीम हो गई, फिर इनको तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब नज़र आने लग पड़ा। अब उनको वो ख्वाब भी उनका ख़त्म हो गया, तो अब उनको जरदारी साहब की जो उम्मीदवारों ने उनके कागजात नामजदगी पर ये कहकर एतराजात लगाए कि उन्होंने अपने कागजात में अकामा जाहिर नहीं किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जांच पड़ताल के बाद कागजात मंजूर कर लिए। वैसे तो जी माशाल्लाह कलसूम नवाज का भी काम है, वो भी बेचारी नौकरी करती है,
आपको खबर है इस बात की कि उनके कागज़ों में भी एक एकामा निकला है कि वो बेचारी नौकरी पेशा हैं। प्राइम मिनिस्टर की बेगम रही 4 साल और हमेशा असूल तोड़े यूनाइटेड नेशंस में वो डेलीगेट नहीं थी, नवाज शरीफ के साथ बैठी हुई थी, जबकि ओबामा की बीवी जो थी वो विजिटर्स गैलरी में बैठी थी। आपको याद है वो तस्वीर? आपको याद है ना तस्वीर कि वो विजिटर्स गैलरी में ओबामा की बीवी मिशेल ओबामा बैठी हुई थी और नवाज शरीफ की बीवी नवाज शरीफ के पीछे बैठी हुई थी, कुलसूम नवाज। विच इज़ अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। शी हैड नो बिजनेस टू बी सिटिंग देयर। उस जगह सिर्फ और सिर्फ या डेलीगेट्स बैठते हैं या आपके एम्बेसडर्स बैठते हैं या आपके प्राइम मिनिस्टर्स और आपके मिनिस्टर्स बैठते हैं। उनको साथ उन्होंने बिठाया हुआ था और वो बेचारी जो हर जगह नवाज शरीफ के साथ एज फर्स्ट लेडी ट्रैवल करती थी, वो नौकरी पे डिपेंडेंट है, उनके पास एकामा है। ये तो आपको खबर है ना इस बात की। ये इस तरह के काम जो हैं ये अब कौम के अंदर सवाए बददिली और आपकी तरफ से उनका दिल जो है वो दुखा हुआ है, क्योंकि आपने इस कौम की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। इस वक्त आपके 50% से ज़्यादा लोग जो हैं गुर्बत लाइन से नीचे रह रहे हैं, 47% बच्चे हमारे जो हैं वो स्टंटेड हैं ग्रोथ के अंदर। आपके इस वक्त 60% लोग जो हैं वो तालीम की तरफ, कोई थोड़ी बहुत तालीम उनको नसीब होती है, 40% लोग जो हैं उनको तालीम मिली नहीं रही पाकिस्तान के अंदर। किस तरक्की की बात कर रहे हैं? इस हलके के अंदर बहुत से मसाइल, मसलन सड़कों का टूट फूट का शिकार होना, पीने के लिए साफ पानी का मयसर ना होना, इलाके में सफाई सुथराई ना होना। मुस्लिम लीग नून तकरीबन 30 साल से इस हलके से इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन अभी तक इस इलाके की हालत ज़ार बेहतर नहीं हो सकी। आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिसे घुमाते ही ये लोग इनको इलेक्शन में कामयाब करवा देते हैं? डॉक्टर साहब, आप कहिएगा कुछ नहीं, वोट हम आपको देंगे, हमारी मजबूरियाँ हैं। फिर मैंने मजबूरियों का पता करने की कोशिश की। इन्होंने हर घर के अंदर एक छोटी छोटी नौकरी दी हुई है, हर घर के अंदर किसी को सिक्योरिटी का वो बना दिया, किसी को SI बना दिया, किसी को कोई और नौकरी दे दी। नौकरियां दे के लोगों को ओब्लाइज किया, लोग बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि अगर आप इस इलाके में फिरें तो ये बड़ा पसमानदा इलाका है। यहाँ लोग जो हैं लोअर मिडिल क्लास के, मजॉरिटी लोग लोअर मिडिल क्लास के या यहाँ कारोबारी लोग हैं। कारोबारी लोग सारे जो हैं अपने कारोबार को बचाने के खातिर नवाज शरीफ के साथ हैं, और इस इलाके के जितने बदमाश हैं वो भी नवाज शरीफ के साथ हैं। इस इलाके के जितने बदमाश हैं, मैं आपकी TV पे बता रही हूँ, वो सब नवाज शरीफ के साथ हैं। तो आप खुद समझ लीजिए कि कौन कौन उनके साथ हैं। कुछ मजबूरी के तहत साथ हैं, कुछ अपनी कारोबार की वजह से साथ हैं, और कुछ बदमाशी की वजह से साथ हैं। पाकिस्तान में इंतखाबी कवानीन को बेहतर बनाने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को वसत देने के लिए इलेक्शन कवानीन का तरमीमी बिल सन 2017 आइंदा चंद दिन में कौमी असेंबली के रवा इजलास के दौरान पेश कर दिया जाएगा। शफकत महमूद साहब से बात हुई थी, क्योंकि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी पे है। जुम्मे के दिन इलेक्टोरल रिफॉर्म का इजलास है जो कमेटी का है, उसकी बात वो हमें सारा ब्रीफ करेंगे। यहाँ जो एक्सपेरिमेंटली काम करने लगे हैं ना कि बायोमेट्रिक्स या इलेक्ट्रॉनिक, उस पर हम अपने इतराज़ात इसलिए दर्ज करेंगे कि ये बड़ा अहम इलेक्शन है। या तो आप सारा बायोमेट्रिक करवाइए ताकि यूनिफॉर्मिटी हो, या आप ये कोशिश करिए कि आप पुराने तरीके से करवा दीजिए, एक तरीके से पूरा इलेक्शन होना चाहिए। जब आप वोट लेने के तरीके के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं रखेंगे तो रिजल्ट में बायस आ सकता है, तो वी डोंट वांट दैट बायस टू कम इन। वो बायस नहीं हम चाहते, तो उसके ऊपर रखें। बाकी जहाँ तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, आपको पता है मुसलसल 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक तो हम चाहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ज़रूर मौका मिले वोट देने का। बड़ा जुल्म है, पैसे तो उनके आए, हमारी जो फॉरेन रिमिटेंसेस हैं वो असल में फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाती हैं। नवाज शरीफ लेके जाते हैं, बाहर के हमारे मजदूर जो बेचारे दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कोई नाम किसी मुल्क का लें, वहाँ जाके पढ़े लिखे मजदूर, अनपढ़ मजदूर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो सब जो रिपिटेशन भेजते हैं, उसकी वजह से आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। तो जब वो बेचारे यहाँ भेजते हैं पैसा और वो
उनका हक नहीं है कि वो वोट भी दें और वो सिलेक्ट करें? क्यों नहीं होने दे रहे? वजह यह है कि बाहर एक्सपैट्रियट जितना बैठा हुआ है उसके लिए पाकिस्तान की इज्जत सबसे अहम है, और वो सब कहते हैं कि हम नवाज इमरान खान को वोट देंगे, नवाज शरीफ से हमारी जान छुड़वा दीजिए। सब कहते हैं, आपको पता है नवाज शरीफ के बाहर जाता है, आपने कभी देखा कि उसको इस तरह की वेलकम मिले? ये जो ये सरकारी वेलकम दिखाई थी, वो जो जलसे जुलूस के अंदर पटवारियों की जो वेलकम दिखाई थी, वो जो प्लेन क्लोथ्स पहन की जो सादा वर्दियों में पुलिस थी, 8,000 एहलकार तो सिर्फ लाहौर के उसमें शामिल थे, 8,000। उनसे कहें चैलेंज कर दे मुझे इस बात पे जो मैं बातें कर रही हूँ। क्या मुस्लिम लीग नून के पास नवाज शरीफ का नेमुल बदल कोई नहीं जो मौरूसी सियासत से हटकर हो? एन 120 का जिमनी इलेक्शन का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये 17 सितंबर को ही पता चलेगा। जो इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट्स होते हैं वो यकीनन आप किसी को हम कह नहीं सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते भी आप किसी को किसको नामजद करें, ये उनका अपना फैसला होता है, उनकी पार्टी का फैसला होता है, और वो समझते होंगे कि ये इस वक्त बेहतरीन उनका कैंडिडेट साबित होंगी, लेकिन शायद उनके ये इस तरह का जो उनकी सोच है वो गलत साबित हो। ख़ानदान के बाहर वो सोचें तो उसमें वो समझते होंगे कि उनका ये होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि ये इलाका ग्वाल मंडी और ये काफ़ी दाता दरबार वाला, ये वो इसमें से काफ़ी अपने आप को मजबूत समझते हैं, और वो समझते हैं कि उनको सिंपथी का वोट भी मिलेगा, दूसरे कैंडिडेट को शायद वो ना मिले, लेकिन गालबन उनकी कैंडिडेसी को भी चैलेंज हुआ है। अकामा अभी तो फ़िलहाल उन्होंने कोई फेसबुक पे लोगों ने फोटोशॉप करके कोई लगाए हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई नहीं निकला। नवाज शरीफ साहब अपने आप को मुगले आजम समझते हैं, वो घर से ताज बाहर निकलने नहीं दे रहे, बेचारे इतने छोटे भैया से डरते हैं कि छोटे भैया को भी देने को तैयार नहीं। देखिए ना, वो सोचते हैं कि एकदम अगर छोटे भैया के सर पे ताज आ गया तो मेरी अहमियत ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए वो छोटे भैया को भी ताज देने को तैयार नहीं। बेगम को इसलिए दे रहे हैं कि बेगम के सर पर अगर ताज आ गया तो वो फिर जाके प्राइम मिनिस्टर घर में बैठ जाएंगे दोबारा। असल में वो जो हॉल है ना, उनको पड़ता है कि जी हाल में मेरी कुर्सी, हाल में मेरा प्राइम मिनिस्टर हाउस, हाल में मेरी सहूलियत, वो रोना पड़ा हुआ है इनको, और कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने कुलसूम नवाज को दिया, इसलिए उन्होंने कुलसूम नवाज को खड़ा किया है कि अगर ये बन गई तो मैं इसको प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा, क्योंकि पार्टी में जो आपको पता है हवारी और चौकीदारी जो का सिस्टम है, यानी इतना अफसोस होता है कि बजाय पार्लियामेंट को आप मजबूत के किस बात का वावेला रो रहा है। हुकूमत तुम्हारी है, अभी भी नून लीग की हुकूमत है ना, इस वक्त तहरीके इंसाफ की तो हुकूमत नहीं है ना, नून लीग की हुकूमत है, सेंटर में भी उसकी है, पंजाब में भी उसकी है, उसके बावजूद हाल हाल बेचारा कर रहा है। आपको पता है ना पंजाबी में हाल हाल किसको कहते हैं? पता है, वो कहते हैं हाल वे मेरे नाल की हो रहे हैं, सुना है ना आपने? ये जैसे कोई बंदा बैंड वूड कर रहा होता तो कहना हाल वे, वो वाला बात है। ये हमेशा पहले वो चिन्योट के जलसे का आपने जिक्र किया, वो यकीनन एक बड़ा कामयाब जलसा था हर लिहाज से, हम लोग बड़े उससे खुश भी हुए, क्योंकि अवाम का जो वहाँ जोश व खरोश देखा गया वो यकीनन बड़ा, और चेयरमैन बिलावल को देखने के लिए लोग आए थे और काफ़ी तादाद में आए थे, और चेयरमैन की आपने गुफ्तगू भी सुनी, उन्होंने हमारी जो पार्टी का आइंदा का जो मंशूर है उसके हवाले से भी अच्छी जो गुफ्तगू उन्होंने जो चंद बातें की हैं, जो कुछ पॉइंट्स बताए, तो लिहाजा ये बड़ा अच्छा एक हौसला अफजा जलसा था, और आइंदा सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट कमर जमान कायरा साहब ने अभी अनाउंस किया कि वो हमारे दूसरे डिविजन्स में भी इसी तर्ज पे जलसे होंगे, और इंशाल्लाह बाकी अक्सर ये गुफ्तगू होती है कमबैक की, कमबैक्स यकीनन एक टर्म है, मैं समझता हूँ कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अच्छी तरह से मौजूद है, हमारे थोड़ा सा हमारे पे स्पॉटलाइट ज़्यादा आ जाती है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इस जमात से बहुत ज़्यादा हैं, लेगेसी है, लेकिन आप ये देखें कि पंजाब में हमारी हुकूमत 1977 के बाद नहीं बनी, तो इसको इस जमात को 1977 के बाद
एक प्लानिंग के तहत पंजाब से, बल्कि ना सिर्फ पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से एलिमिनेट करने की कोशिश की गई। पंजाब में कुछ सियासी माहौल ऐसा होता है कि लोग थोड़ा सा रवायात के उनके वो उनकी बदलते रहते हैं, वरना पंजाब में आज भी मौजूद है, हमारा वोट बैंक मौजूद है। 2013 का एक बड़ा डाउन इलेक्शन था, उसमें भी आपने देखा कि हमने पूरे पाकिस्तान में 70 लाख से ज़ायद वोट हासिल कर लिए थे। दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरे कौमी असम्बली में भी। पंजाब में एक नई जमात जो 30 अक्टूबर 2011 के जलसे के बाद नमूदार हुई, उस जमात की आप पंजाब के अंदर कौमी असम्बली की नशस्तें देखें और हमारी देखें तो उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो 7-8 हैं शायद। अरसा कबल तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद के बारे में ये कहा था कि उनको हल्का एनए 120 में कोई नहीं जानता। लोग जानते हैं कि कोई डॉक्टर यास्मीन भी है, तो फिर मैं इससे ज़्यादा क्या बात करूँ। 52,000 लोगों ने जो वोट दिया था वो तो मुझे जानते हैं ना, बिलाल यासीन साहब। 52,000 लोगों जिन्होंने वोट दिया था वो तो जानते हैं ना कि डॉक्टर यास्मीन है। 52,000 बंदा बड़ा बंदा होता है, अगर 52,000 बंदे जानते हैं तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा क्या किसी बंदे की मशहूरी होगी। ठीक है, आप अपनी मशहूर, आपने कितने वोट लिए थे उनसे पूछना, आपने कितने वोट लिए थे। अगर आपने 44,000 लिए तो मुझसे तो कम ही लिए थे ना, तो इसलिए आपसे तो ज़्यादा मुझे लोग जानते हैं, तो आप किस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, मुझे किसी मशहूरी की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने हल्के में नहीं, आई एम नोन ऑल ओवर पाकिस्तान ऑल्सो फॉर अ सिंपल रीज़न, मैंने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की बहुत अरसे सदर रही, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। ये तो बेचारे फूड मिनिस्ट्री आई है ना ख़ानदान की वजह से, उनसे कहें आजकल ज़रा पता करें न्यूट्रिशन का क्या हाल है पाकिस्तान के अंदर। उनको कहें कभी मेरे साथ आके मुवाजना करें, हम बैठ जाते हैं डिबेट करते हैं, मैं उनसे 4 सवाल पूछूंगी, जवाब दे दें तो मैं सर आँखों पर उनको रखूँगी। उनके पास जवाब नहीं होंगे, इस वक्त लोग भूखों मर रहे हैं, खुराक के मिनिस्टर साहब, लोग भूखों मर रहे हैं, लोग मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, लोग खून की कमी से मर रहे हैं, लोग स्टंटेड हैं ग्रोथ के अंदर। आपको खबर है फूड मिनिस्ट्री में आजकल क्या भाव है? जाएं जाके पूछे चने की दाल की क्या कीमत है इस वक्त, जाएं पूछे मसूर की दाल की क्या कीमत है। गरीब आदमी दाल नहीं खरीद सकता, आपको पता है। और कितने जालिम लोग हैं, इन्हीं मिनिस्टरों ने कहा था अच्छा दाल नहीं खरीदे तो मुर्गी खरीद लो, आपको याद है ना ये स्टेटमेंट, याद है ना कि दाल, इसहाक डार ने क्या कहा था, उनसे कहें दाल ना खरीदें मुर्गी खरीद लें, कोई शर्म आया करो। डेवलपमेंट हो रही है यहाँ, टेंडर्स यहाँ खुले, हमने एतराज़ात जमा करवाए पीएचए से, अभी तक पीएचए ने हमें जवाब नहीं दिया, इन्होंने बग़ैर परमिशन के बग़ैर पैसे पे किए, सारे बैनर्स लगाए। आपको याद होगा नवाज शरीफ का जो स्टेज लगा दाता दरबार के बाहर, उसके पीछे किसकी तस्वीर थी? कुलसूम नवाज़ की। कुलसूम नवाज़ कौन है? यहाँ की कैंडिडेट है, उसकी तस्वीर लगवाने की आपको क्यों ज़रूरत पड़ी? बेगम याद आ रही थी तो साथ बिठा लेते, मतलब बेगम अगर याद आ रही थी तो साथ बिठा लेते। या आपने इतनी बड़ी तस्वीर उनकी लगा दी वहाँ, किस मकसद के लिए लगाई आपने कि जी ये बेगम है मेरी, इनको मैं खड़ा कर रहा हूँ, तुम सारे सुन लो इसको वोट देना। तो ये प्री पोल रिगिंग नहीं है तो और क्या है? द रीज़न इज़ वहाँ कौन कौन बैठा हुआ था? चीफ मिनिस्टर पंजाब बैठा था, सारे मिनिस्टर लाइन लगा के बैठे हुए थे लाइन लगा के। व्हाट डज दैट इंडिकेट? तहरीके इंसाफ को भी मुस्लिम लीग नून ने खूब आड़े हाथों लिया और पार्टी की बैरूनी फंडिंग को गैर कानूनी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से पिटीशन दायर कर दी। नून लीग के मुताबिक तहरीके इंसाफ ने ममनू जराए से फंडिंग हासिल की। तो ओवरसीज पाकिस्तानी सब खान से मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं इमरान खान शुड बी इलेक्टेड, बिकॉज उनको यकीन है कि इमरान खान के आने की वजह से पाकिस्तान की इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। आज अदलिया के फैसले की वजह से पाकिस्तान की इज्जत बहुत बढ़ गई है पूरी दुनिया के अंदर। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी, किसी ने 15 पाउंड, किसी ने $20, किसी ने $500, किसी ने $400 दिए। आप फॉरेस्ट रिजर्व में तो कर सकते, तो हमारी पार्टी फंडिंग को क्या प्रॉब्लम है? पार्टी फंडिंग नहीं दे सकते? पार्टी फंडिंग में नहीं दे सकते? दे सकते हैं भाई, बाहर के एक्सपैट्रियट्स हैं हमारे। इन्होंने जो तमाशा खड़ा किया हुआ है वो फजूल में, फॉर नो रीज़न एट ऑल। आप उसका फॉरेक्स रिजर्व में तो खड़ा कर सकते हैं, अपना पैसे ले सकते हैं,
लेकिन इसमें नहीं काम कर। 2013 के आम इंतखाबात में इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उभर कर सामने आई और 77 लाख वोट लेकर पाकिस्तान की अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात बनी। तहरीक इंसाफ में ज्यादातर मुस्लिम लीग काफ के जो लोग थे वो गए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अगर आप ये भी एक अक्सर एक मिसनॉमर है, एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत ज़्यादा पीपल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाम लिखने लगे हैं, तो मेरा ख्याल शायद 10-15 से ज़्यादा आपको नज़र नहीं आते। ये अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं नहीं समझता कोई, मेरा ख्याल जो जिन्होंने जाना था या जिन्होंने अपने फ़ैसले तब्दील करने थे उन्होंने कर लिए, अभी वापस आएंगे, लेकिन ये हमारी अब क़यादत का फ़ैसला है, वो उन लोगों को एक्सेप्ट करें पार्टी में। हमारे प्रेसिडेंट साबिक सदर पाकिस्तान जरदारी साहब ने ये कहा है वाज़े तौर पे कि जो लोग हमारे हमें छोड़ के गए हैं उन्होंने कहा था कि हम उनके पीछे नहीं जाएंगे, तो लेकिन जो नए आएंगे वो तो पार्टी का फैसला है, अगर उनको एक्सेप्ट करेंगे। 11 मई के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और काफ लीग में मुआहदे के मुताबिक NA 120 में इन दोनों जमातों का मुश्तरका उम्मीदवार जुबैर कारदार मुतवक्के है। जब उन्होंने कमान संभाली तो उन पे बहुत भारी जिम्मेदारी आयद हुई थी। ये भी पब्लिक में तासर आप और मैं और शायद बहुत, मेरा ख्याल है दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने वो एक्सपीरियंसेस, वो तजर्ब उस मराइल में से गुजरे हैं जिनसे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी गुजरे हैं, या हमारे चेयरमैन बिलावल गुजरे हैं, या आसफा भुट्टो जरदारी, या बीबी, या ये लोग, ये फैमिली गुजरी है। आप एक 19 साल बच्चे को देखें कि वो 27 दिसंबर को अपनी वालदा को उस, मैं बतौर कारकुन के और बतौर इंसान के मैं वो सीन नहीं देख सकता, मुझसे देखा नहीं जाता, वो तो बेटा है। और उन्होंने देखे, जरदारी साहब दुबई में थे उस वक्त, उन्होंने वो हालात देखे, उसके बाद वो वापस पाकिस्तान आए। हम मुझे याद है कि हम गड़ी खुदाबख्श में थे, तो सिर्फ सोच करके उनके जहन के अंदर क्या कैफियत होगी, बड़ा इंसान को हमदर्दी भी होती थी, उनके साथ एहसास होता था उनके दुख का। उन्होंने इंतखाबात को एक बड़े अहसन तरीक़ा के साथ, उन्होंने इंतखाबात में पार्टी को लेकर गए। पहले उन्होंने मियां नवाज, मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि बॉयकॉट कर गए थे दूसरी मरतबा, आपको याद होगा कि एक मरतबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इनको कन्विंस किया कि नहीं आप कंटेस्ट करें, इलेक्शंस को छोड़ना नहीं चाहिए। फिर दूसरी मरतबा उन्होंने जरदारी साहब ने मियाँ साहब को कन्विंस किया कि आप इलेक्शंस में हिस्सा लें, उसके बाद इलेक्शंस हो गए, फिर उन पे जिम्मेदारी आयद हुई ये पार्टी की जो हुकूमत बनाने की और इस सिस्टम को चलाने की आगे, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीक़े से चलाया। आपने देखा परवेज़ मुशर्रफ को, उससे किस तरीक़े से चारों असम्बलियों में से करारदादें पास हुई 11 अगस्त 2008 में, 8 को, और फिर उसके बाद आज शायद मेरा ख्याल 17 या 1 अगस्त को उन्होंने अपनी इस्तीफ़ा दिया था, और फिर जरदारी साहब पे सदारत का मनसब, उनको जिम्मेदारी आई। उस पोजीशन में उन पे एक मुख्तलिफ एक जिम्मेदारी आई थी कि कौम पूरे पाकिस्तान की, तो वो अपनी तवज्जो, शायद ये कहना मैं समझता हूँ कि अनफेयर होगा कि उन्होंने सिर्फ कराच, उन्होंने पूरे पाकिस्तान पे तवज्जो दी थी, पाकिस्तान के मसाइल। आपने देखा पहला उनका दौरा एज प्रेसिडेंट चाइना का था, और उसमें उन्होंने जो मौजूदा CPEC का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में गुफ्तगु का आगाज़ किया। उसके बाद उन्होंने जो आइनी तरामीम थी, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, ओरिजिनल शेप में लाने के लिए जो तरामीम करनी थी वो की, NFC अवार्ड किया। ये सब गाइडेंस प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की क्यादत में थी, तो उसमें पंजाब को भी फ़ायदा हुआ।